हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने घर में लगा हुआ बोगनवेलिया के प्लांट को ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये पौधा की ऊंचाई करीब 6 फुट 6.5 फुट के करीब हो गई है, तो इसको दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसको बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो चलिए आज मैं आपको इसे रिपोर्ट करना दिखाता हूँ। इसको मैंने एक पुराने गड्ढे में लगा रखा था और अब इसको चेंज करने का समय आ गया है। सबसे पहले जो भी खरपतवार इस पे ऊपरी सतह पे लगे हुए थे, इसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, और इसके बाद जिसको मैं नई रिपोर्ट में करूँगा उस के अंदर मैंने इस तरीके से पत्ते और इसमें गार्डन सॉइल के साथ ही इसमें सड़े हुए गोबर की खाद भी इसमें डाल दी है, और इसमें डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से आपस में, ये देख लीजिए इस तरह से बिल्कुल इसमें गीलापन नहीं है, सूखी हुई है, और इसको इसमें मैंने डाल दिया, और डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से फैला भी दिया। बोगनवेलिया की सबसे बड़ी एक खासियत यही है कि ये बहुत ज़्यादा भड़वार लेता है, तो इसको बढ़ाने के साथ साथ इसको समय समय पर रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सूख सकता है। इसलिए अब सबसे पहले इसको इस पॉट में जिसमें मैंने लगा रखा था, इसमें एक गुलाब का भी प्लांट लगा हुआ है, और इसको मैं अलग से दूसरे पॉट में इसको ट्रांसफर करूंगा। और अब देखो, ये मैंने जो कि ये बोगनवेलिया का प्लांट था, इसमें बहुत ज़्यादा घनी जड़ें निकल के आई हुई हैं, तो मैंने इसे एक छोटे नुकीले साधन से अलग कर लिया है, और सबसे पहले इसको इस तरीके से अलग किया है कि ताकि इसकी जो मेन रूट है उसको नुकसान ना हो। छोटी मोटी जड़ें हट भी जाती हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इसकी जड़ों के ऊपर अच्छी तरह से जो भी आपके पास गार्डन सॉइल हो या गोबर की जो सड़ी खाद है वो हो, वो दोनों डाल सकते हैं, और डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह से दबा दें। बोगनवेलिया की ये जो प्लांट है, ये मेरे पास इसकी रेड और ऑरेंज कलर की फ्लावर की प्लांट रेंज है, और मैंने इसको लगभग जून के शुरू में सरकारी नक्सी से इसे लिया था, और ये बहुत सस्ते में मुझे मिल गई थी। ये लगभग 10 रुपये की एक प्लांट की ब्रांच मुझे मिली थी, और इसका साइज जब ये लेके आए थे तो इसका साइज मात्र 1.5 फुट का था, और जो कि आज ये बढ़ करके लगभग 6.5 फीट के करीब, जैसा आपने इस वीडियो में देखा, हो चुका था। और इसको मैंने इस तरीके से आज रिपोर्ट कर दिया है, और इसको रिपोर्ट करने के बाद इसकी पड़वार भी बहुत अच्छी होगी, और इसमें रिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से होगी। और बोगनवेलिया के जो इसके पत्ते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, लगभग पान की शक्ल के ही होते हैं। अब ये देखिए, मैंने इस पॉट में जो कि पहले ये लगा हुआ था, उसी पॉट में जो ये गुलाब था देसी, इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। इससे ये दोनों ही प्लांट अलग अलग रिपोर्ट हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके अंदर आने वाले समय में फ्लावरिंग भी आएगी, और एक तरह से इनको एक नया वातावरण भी मिल जाएगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये आने वाले समय में फ्लावरिंग भी देंगे। मैंने इसमें भी इसी तरीके से इसको रिपोर्ट किया है, और
इसके अंदर वही सॉयल मिक्सचर मैंने डाला है जो अभी मैंने बोगनवेलिया को रीप्लांट करते हुए आपको दिखाया था। अब इसके ऊपर सबसे पहले तो मैंने वही जो कि गार्डन सॉयल है उसको लगाने के बाद इसमें डाल दिया था, और अब आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर दिया। और ये दो फूलों की कलियां आई थी जो कि पूरी हो चुकी है, मैंने इसको तोड़ा नहीं था। अब देख लीजिए इस तरीके से इसमें डाल दिया। अब इसको सब करने के बाद इसमें पानी ज़रूर डाल दें, और इस तरीके से ये तैयार है।